देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। थाना हाईवे इलाके के आरकेपुरम में सुबह 3 बजे आधा दर्जन बदमाशों ने एक घर पर बोला धावा। घर में मौजूद 3 लोगों के साथ जमकर की मारपीट, नकदी जेवरात लूटकर बदमाश हुए फरार। गंभीर हालत में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटनास्थल पर पहुंचे आईजी सतीश गणेश ने 4 टीमों का किया गठन, घटना के जल्द खुलासे की कही बात। सनसनीखेज वारदात थाना हाईवे इलाके के आरकेपुरम की है, जहां प्रेम सिंह के घर पर आधा दर्जन बदमाशों ने सुबह करीब 3 बजे हमला बोल दिया। घर में प्रेम सिंह और उसकी पत्नी और उसका भाई मौजूद था। आधा दर्जन बदमाशों ने हथियारों के बल पर जमकर 3 लोगों के साथ मारपीट की और नकदी जेवरात लूटकर बदमाश मौके से फरार हो गए। घायल अवस्था में पीड़ित परिवार ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। जिस तरह बदमाशों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया, इससे पूरे इलाके में सनसनी का माहौल है। घटना की सूचना मिलते ही आईजी सतीश गणेश भी घटनास्थल पर पहुंच गए और घटनास्थल का जायजा लिया। इसके बाद आईजी सतीश गणेश ने अस्पताल पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और घटना के बारे में जानकारी दी। साथ ही एसएसपी को भी घटना के अनावरण के लिए सख्त निर्देश दिए। आईजी सतीश गणेश ने घटना के खुलासे के लिए आगरा साइबर सेल सहित 4 टीमों का गठन किया है और जल्द ही घटना के अनावरण की बात कही है। आशंका जताई जा रही है कि जिस तरह घटना हुई है, इस घटना को बावरिया गैंग ने अंजाम दिया होगा। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर कार्रवाई में जुटी है और जल्द ही घटना के अनावरण की बात कर रही है। क्या नाम है आपका? विनेश। क्या घटना हुई विनेश जी? गेट पर चढ़े, गेट खोला, फिर सब अंदर गए, फिर ससुरजिन का वो लगा दिया, कुंडी मार दी अंदर से क्योंकि लेकर ना जाए। फिर अंदर गए, सिंधु कुंड टटोर लिया, उनसे सामान लिया है। फिर इनमें देवाले करिए घूम आ रहे थे, तो मेरी बहन के लाई में ऊपर सो रही गिल्ली, तो मैं बोली मैं जो काई के ला रहे, तो देखा तो बाम से मार भी लग रही। फिर मैंने खिंचाई हूँ, मैं बचाई हूँ, मैं कई गुंडा घुस गए, फिर और आ गई, फिर घुस गई। कितने लोग घायल हैं? कितने लोगों को चोट आई है? 3 लोग। जिन को लोगों को चोट आई है, क्या नाम है इनका? नीतू, प्रेमपाल, प्रेम सिंह। किन चीज़ों से वार किया था आपके ऊपर? ये तो देखा नहीं है। कितना सामान लेके गए? कितनी चोरी, कितने की चोरी है? चोरी मुंडर है, अंगूठी है और टीको है, तोड़ियाँ हैं और कुंडला है। कितने लोग थे ये? 6 जने। मेरा नाम नतीश है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गांव में वहाँ से दाऊ जी के पास। दाऊ जी के पास? हाँ। तो ये क्या घटना हुई है रात को? ये घटना हुई है सर, मतलब ये सोमते वाला का काटी और बाकी बाद में लूट करी है। अब जाके बाद में साहब गिरी जाने। कितने लोग थे लूट करने वाले? 6 दिन। तो क्या कुछ क्या क्या ले गए, क्या है? अब भैया वहाँ में तो जो पेंडल बता रही है बहू, भाई बुना की बहू ने चीज़ें दोनों ना की, और भी बता रही है दोनों ने अंगूठी और वो दोनों तोड़ी बस मुझे संपत्ति से बोलता ना भुआ और जाने कहा, मतलब बता रही हूँ वो इतना बंद बनाया। नगद कितने गए? नगद गए हुए 16-17 हज़ार रुपया, 17 के करीब। तो बदमाशों ने जो लूट करी है, उन्होंने मारपीट भी करी है? पहले मारपीट करी है, जब चोरी करी है। कितने लोग घायल हैं इसमें? 3। कौन कौन? प्रेम सिंह, प्रेमपाल और नीतू। 3 बजे, मतलब 1 भैया, 2 मतलब बालक। कितने बजे करीब की घटना? 2:30 बजे। में आरकेपुरम कॉलोनी है जो कि रेलवे लाइन के किनारे है, वहाँ पे आज भोर में लगभग 2:30 बजे के आसपास एक मकान था जिसमें ये प्रेम हैं, उनका मकान है। तो उस मकान में करीब 4 या 5 बदमाश जो है, अभी ये संख्या क्लियर नहीं है, ये लोग घुसे थे। और मकान की नवीयत इस तरह से है कि उसका जो मुख्य गेट है, मुख्य गेट के ऊपर काफ़ी जगह है, बहुत बदमाश उसी में से कूद के अंदर आए हैं। और उन्होंने घर के जो लोग थे, जिसमें प्रेम है, उनके छोटे भाई प्रेमपाल हैं जो कि टैक्सी ड्राइवर का काम करते हैं, और उनकी पत्नी है, तीनों लोगों को उन्होंने लाठी डंडों से चोट पहुँचा कर उनके कान के जो महिला है, उनके कान की बालियां वगैरह नोच ली हैं। इसके अलावा उनके संदूक में कुछ कीमती जेवरात वगैरह रखे थे, उन जेवरातों को अपने साथ ले गए हैं। इसके बाद इन्होंने पुलिस को सूचना दी है, पुलिस के सारे वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल का निरीक्षण किए हैं। मैं भी अभी आगरा से चलकर यहाँ पर आ चुका हूँ और हम लोग का प्रयास ये है कि इस घटना का अनावरण शीघ्र करें और जो घायल हैं उनकी समुचित चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए मेरी सीएमएस साहब से बात हुई है। उनका एक्सरे भी कराया जा रहा है, उनका सीटी स्कैन भी कराया जा रहा है। यद्यपि डॉक्टर साहब का ये कहना है कि वो खतरे से बाहर हैं,
लेकिन उनकी बेहतर इलाज की दृष्टि से जिलाधिकारी से वार्ता की जाएगी और समुचित चिकित्सा की व्यवस्था की जाएगी। और इस घटना का शीघ्र अनावरण करने के लिए हम लोगों ने 4 टीमों का गठन किया है। इसमें जो हमारी साइबर सेल है आगरा की, उनके पास विशेष दक्षता है इस प्रकार के अपराधों को अनावरण करने की, तो उनकी टीम भी वहाँ से हमने अपनी टीम रवाना की है और वो जल्दी आके यहाँ पे जो बाकी फॉलोअप का कार्य है, किन बदमाशों ने यह घटना की है उनको चिन्हित करने का और उनकी शीघ्र गिरफ्तारी करने का, ये हम लोगों ने प्लान किया। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस घटना का सफल अनावरण भी हम लोग करेंगे और साथ ही साथ जो हमारे मजबूर हैं उनका भी बेहतर इलाज करेंगे। जैसा बावरिया की घटना से इनकार किया जा सकता है? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये कहना अभी मुश्किल है, ये बहुत जल्दबाजी है। हम लोग सभी पहलुओं पर छानबीन कर रहे हैं और जैसा होगा उसमें डेवलपमेंट होगा उसके बारे में आपको समय समय पर हम लोग अपडेट देते हैं। मथुरा से संवाददाता सुरेश पचहरा की रिपोर्ट, यूपी क्राइम न्यूज। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।